वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने लिया है आलू का पराठा और साथ में लस्सी। लस्सी हम फीकी लेते हैं, मीठी मैंने कभी पी ही नहीं है क्योंकि हमारे पूरे घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती मीठी लस्सी। उसके बाद 11:30 तो यही नाश्ता करते हुए हो गए थे, पहले ही लेट हो गए थे, तो आज हमें जाना था ज़रा शॉपिंग के लिए। बाहर निकले तो इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे प्रेडिक्शन तो थी कि बारिश होनी है आज, मगर यहाँ आसार बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि बारिश होगी भी या नहीं। मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं चेस अप। वैसे जितनी तेज़ धूप लग रही है मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं आएगी, मगर फिर भी कोई पता नहीं होता बारिश का कि अचानक से एकदम से आ भी जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गूगल पे शो हो रहा होता है कि बारिश आएगी मगर नहीं आती, और जब नहीं हो रहा होता शो तो तब बारिश आ भी जाती है। यहाँ पहुँच गए थे तो पहले मैं बस ये देख रही थी कुछ क्लॉथ्स बच्चों के। वैसे मुझे तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन लगता है कि बच्चों के छोटे छोटे से इतने क्यूट से ड्रेसेस, उनके शूज़ देख रही थी कि अगर कोई अच्छा लगता है तो भांजियों के लिए ले लें और शज़ैन के लिए भी ले लें। यहाँ से इतने क्यूट ड्रेसेस थे कि बस मेरा तो दिल कर रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, मगर यह कि अम्मी ने कहा कि एग्जैक्ट साइज़ हमें नहीं पता कि किस साइज़ का उन्हें आएगा, तो फिर या तो नेक्स्ट टाइम आए तो फिर ही ले लें। बस अब हमने सब कुछ ले लिया था तो फिर कैंट आए थे, यहाँ पे आइसबर्ग का फालूदा आइसक्रीम जो है वो ली थी। बस घर पहुँच के अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया था हमने वहाँ से, जो ड्रेसेस थे वहाँ। फिर मैंने मज़ीद वीडियो नहीं बनाई कि जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, तो घर जाके फिर ही आप लोगों को दिखाऊंगी, इस तरह से फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो इसी वजह से। बस यहाँ भी हम पहुँचे ही हैं थोड़ी देर पहले ही, तो ये सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि हम लोग वहाँ से क्या क्या लाए थे। अभी सिर्फ ऐसे ही रख दिए हैं। हेल्पर आई हुई थी, वो कपड़े धोकर चली गई थी, तो बस अचानक से मौसम ख़राब हो गया, फिर फ़ौरन से उन्हें उतारा, कुछ उतार लिए हैं, बाकी के जो हैं वो भी मैं अब जल्दी से उतार लेती हूँ क्योंकि एकदम से ही काले बादल आ गए, और फिर थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ हवा चली कि उसमें मिट्टी भी आने लग गई, तो फिर इसलिए फ़ौरन से कपड़े उतार रही हूँ। मम्मी ने कहा कि इन्हें उतार लो क्योंकि फिर मिट्टी लग जाएगी कपड़ों पर और फिर दोबारा वॉश कराने पड़ेंगे, तो इसीलिए सारे कपड़े उतार कर फ़िलहाल तो मैंने ऐसे रूम में फैला दिए हैं। अचानक से फिर बारिश भी आना शुरू हो गई, जैसे ही मैं कपड़े उतार कर अंदर रूम में रख कर आई, बस फिर पीछे से बारिश भी स्टार्ट ही हो गई। सुबह जिस तरह से गर्मी थी और धूप थी इतनी तेज़, मुझे लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। बस बारिश थोड़ी देर के लिए ही आई थी, लेकिन आई बहुत ज़्यादा थी कि फ़र्श भी गीला हो गया था और काफ़ी तेज़ आई थी, लेकिन आई बस थोड़े ही टाइम के लिए थी। तो मैं यहाँ बस स्लोमो में कैप्चर कर रही थी कि बारिश को स्लोमो में किस तरह से दिखती थी। बारिश के आते ही लाइट चली जाती है, तो फिर मैं लाइट के आने का वेट कर रही थी कि लाइट आए तो फिर ही मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ मैं बस क्लोथ दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये अप्पू और भाई के लिए ही बस लिए हैं, और इनमें से जो कलर जिसको पसंद आएगा वो उसी का ही बनवा लेंगे। कुछ कपड़े तो हमने वहीं से लिए थे चेज़ वैली से कमाले खदर के, और फिर उसके बाद जो बाकी के थे वो कैंट जब आए थे यहाँ से ले लिए थे रांगेली से। आज की शॉपिंग में मैं सारे जेंट्स ड्रेसेस ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। वैसे ये जो पर्पल कलर और ऑरेंज ग्रीन इस तरह के ड्रेसेस ड्रामेटिक कलर जो हैं वो बिल्कुल ही सूट नहीं करते। वैसे मुझे तो बिल्कुल ही ऐसे कलर्स के ड्रेस अच्छे नहीं लगते, स्पेशली जेंट्स पे बॉयज़ पे, तो मेरे ख्याल में ये कलर जो हैं ये अच्छे लगते हैं। वो कलर सिर्फ ड्रामों की हद तक ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ ब्राइट दिखाना होता है, तो इसी वजह से वो अगर वो वाले कलर्स पहनते भी हैं तो कैमरे में वो सही लगते हैं। गर्मियों में तो मुझे लगता है जितने भी ड्रेसेस हों कम होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, सर्दी तो मुझे लगता है साल के 12 महीनों में से सिर्फ 3 महीने ही रहती है, बाकी के पूरा साल तो सिर्फ गर्मी ही होती है, तो इसीलिए
गर्मियों के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा ही लिए जाते हैं, हम भी ज़्यादा ही लेते हैं। सर्दियों के तो मेरे खुद के कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं कि जो सर्दी ख़त्म हो जाती है मगर मैं उन्हें पहना ही नहीं होता। मैंने दोपहर में आज हमने गोभी बनाई थी तो वो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बस जल्दी से बना ली थी और लंच कर लिया था। यहाँ शाम मगरिब के बाद फिर मैं दही बड़े बना रही हूँ घर में ही। मुझे घर में बने खुद के ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे पता होता है कि सब कुछ मैंने फ्रेश ही डाला है, तो इसी वजह से बस मैं ये जल्दी से ये झटपट बना के ये रख लूँगी। सब कुछ बस इसके अंदर डाल के मिक्स करके आप अपनी मर्ज़ी की सारी वेजिटेबल्स डाल लें। मैंने प्याज नहीं डाला क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर स्पून में से प्याज निकालने में, तो इसी वजह से बस मैंने ये झटपट से जल्दी से ये दही बड़े तैयार कर लिए हैं। और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच तो करते हैं मगर उसे लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।